हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठर सिविकंज बरेली में। और मैंने आपके लिए यहाँ पर कई चीज़ें बताई हैं पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर आज टॉपिक हमारा है क्लास नाइन्थ का। तो क्लास नाइन्थ का टॉपिक है हमारा स्फीयर यानी गोला। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको मैं आपके लिए बहुत ही ईजी तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए, गोला जो होता है स्फीयर, मैं इसको बना देता हूँ। देखिए, जैसे आपने यहाँ पर बहुत सारे गोल चीज़ें देखी होंगी, जैसे आप मान लो गेंद, क्या मान लो गेंद है, फुटबॉल है, तो ये ऐसी चीज़ें जो हैं वो गोल हैं यानी गोला कहलाती हैं। अब गोला दो प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर एक तो गोला होगा, कौन सा एक होगा आपके लिए, जो होता है खोखला, एक होता है खोखला, ठीक है, और एक होता है सॉलिड, यानी ये तो इसको हॉलो कह सकते हैं, यानी खोखला होगा, और दूसरा होगा आपके लिए यहाँ पर सॉलिड, यानी आप कह सकते हैं ठोस, ठोस कह सकते हैं, है ना, ठोस गोला। तो यहाँ पर ये हो सकता है, इसके लिए हम सॉलिड स्फीयर बोलते हैं, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर बोलते हैं। आप देखें यहाँ पर क्या है कि आपके लिए ये समझना है कि यहाँ पर जो भी गोला है, चाहे वो खोखला हो या ठोस गोला हो, उसके लिए समझेंगे। देखिए, अगर हम गोले की बात करें तो गोला घुमा हुआ था बिल्कुल, और यहाँ पर जो गोले के इस तरीके से होता है, इसमें आप अगर मानेंगे तो दो पार्ट होते हैं, इस तरीके से दो पार्ट, आधा इधर का आधा इधर का, यानी हम इसे अर्ध गोला कहेंगे, अर्ध गोला। ये जो अर्ध गोला है, इसी तरीके से इधर भी अर्ध गोला है, क्या है, अर्ध गोला, ठीक है, अर्ध गोला, इधर भी अर्ध गोला, इधर भी, यानी टोटल मिला करके आपके लिए पूरा गोला बनता है। आप देखिए कैसे बनता है, मैं इसका शेप भी बना के आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ऐसे मैंने बनाया इस तरीके से, तो यहाँ पर इस तरीके से बनेगा आधा गोला, ध्यान से देखिए, इस तरीके से इधर ये रेडियस होगी इसकी, यहाँ तक त्रिज्या होगी, इसी तरीके से दूसरा पार्ट बनेगा, तो दूसरा पार्ट देख लीजिए इस तरीके से, ये इसकी त्रिज्या होगी इधर से, तो ये दो पार्ट होते हैं। देखिए, गोले को अगर हम किसी भी बॉल को या गेंद को काटेंगे, तो उसको आधे आधे से जब काटेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास फिगर आएंगे, एक अर्धगोला ये है, एक अर्धगोला ये है। तो आप यहाँ पर अगर निकालेंगे इसका कोण, तो ध्यान से सुनिए, अगर हम इसका वक्र प्रश्न निकालते हैं, वक्र प्रश्न, तो यहाँ पर अगर हम इसका वक्र प्रश्न निकालेंगे तो कितना आएगा। देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो कोण चलते हैं वो कितना चलते हैं, तो ये चलते हैं 2π, कितना टोटल मिलाकर के 2π, कितना चलते हैं 2π, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर 2π इधर, यहाँ पर 2π इधर, 2π 2π, यानी यहाँ पर जो भी आप सर्कल चलेंगे तो 2π माना जाता है पूरा कोण, ठीक है, तो 2π 2π कितना हो जाएगा आपके लिए 4π, और यहाँ पर r जो होती है रेडियस, तो दोनों जब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसके लिए हो जाएगा आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, तो यानी इसका जो वक्र प्रश्न होगा वो कितना होगा 4π r² होगा। आप ध्यान से सुनिए, अगर ये 4π² है, 4π r², इसके लिए अब हम बताएंगे आपके लिए क्या, अगर वक्र प्रश्न का आधे गोले का अगर प्रश्न निकालोगे तो हम इसको फार्मूला नंबर 1 हो गया, ये फार्मूला नंबर 1। आप दूसरा फार्मूला देखिए, अर्ध गोले का वक्र प्रश्न, अर्ध गोले का, अर्ध गोले का वक्र प्रश्न, वक्र प्रश्न, तो भाई मेरे यहां पर जब अर्ध गोले का वक्र प्रश्न निकालना, तो सिंपल सी बात ही है, जो प्रश्न है इसको आधा कर दो, कितना कर दो आधा, तो इसको आधा कर देंगे, यानी यहां पर जो 4π r² है इसको आप आधा कर दो, दो से भाग कर दो, तो दो दूनी ये 4 हो जाएगा, यानी आपके लिए बचेगा 2π r², कितना बचेगा 2π r² बचेगा। देखिए, अर्ध गोले का वक्र प्रश्न कितना होगा 2π r², यानी फार्मूला नंबर 2। अब फार्मूला नंबर 3 सुन लो, फार्मूला नंबर 3 क्या होगा, अगर हम अर्ध गोले का पूरा प्रश्न निकालें, आप सुनना, ये है अर्ध गोला यानी आधी बॉल, जैसे पूरी बॉल होती है उसको जब आप काटेंगे तो आधी बॉल होगी, तो उसमें कितने समतल हो, कितने प्रश्न होंगे, तो हम यहां पर लिख देते हैं जो आधा गोला है, अर्ध गोला, अर्ध गोला, अर्ध गोले में ऐसे लिखेंगे, अर्ध गोले में जो सरफेस होती है यानी प्रश्न, वो कितने होते हैं अर्ध गोले में, 2 प्रश्न पाए जाते हैं। देखिए, एक जो होता है, एक जो होगा आपके लिए समतल सतह, क्या होगी समतल सतह, समतल सतह कौन सी, जो ऊपर वाली होगी, ये वाली,
ये जो होगी वो समतल सतह होगी और ये होगी कर्व्ड, यानी कर्व्ड मतलब कर्व के आकार की, तो वक्र पृष्ठ कहेंगे। एक होती है आपके लिए दूसरी कर्व्ड सरफेस जिसे वक्र वक्र सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्र सतह। ठीक है, एक होती है आपके लिए वक्र सतह। तो ये दो प्रकार की होती है। इसमें हम आपके लिए जब एरिया निकालेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, तो सबसे पहले समतल सतह का लिखिए, समतल सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल समतल सतह का अगर निकालेंगे तो ये वृत्त ही माना जाता है। इसके होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो ऊपर से होगा वो गोल होगा, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से अगर हम लिखेंगे यहां पर वक्र सतह का, वक्र सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 2πr2। कितना जाएगा? 2πr2। क्यों? क्योंकि ये जो आधा है, आधा 2π घूमेगा, कोण 2π आधा घूमेगा, तो 2π हो गया और r2 इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, r के साथ रेडियस के करस्पॉन्डिंग। तो हम इनको टोटल निकालेंगे, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लो भाई। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस 2πr2। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 3πr2। कितना हो जाएगा? 3πr2 इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला हमारा ये बन गया, ये तीसरा फार्मूला आपके लिए फॉर्मेट हो गया, बन गया। देखिए इन तीन फार्मूला का यूज करके हम यहाँ पर चीजों को निकालेंगे और यही इंपॉर्टेंट है। अब इसका एक सवाल बताते हैं आपके लिए। सवाल क्या है? इधर देखिए सवाल हम आपके लिए कराते हैं। एक सवाल ध्यान से सुनिए। अगर हमने एक वृत्त दे दिया जिसका आपके लिए त्रिज्या दी गई है, गोला, गोला है यहां पर, तो गोले की त्रिज्या एक दी गई है। त्रिज्या कितनी है? हमने मान लिया यहां पर 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर आपके लिए त्रिज्या दी गई है। अगर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो आपके लिए वक्र प्रश्न निकालना पड़ जाए। त्रिज्या दी गई हो तो निकालिए। क्या होता है? तो हम लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ बराबर भैया कितना होता है? 4πr2। देख लो पहला सूत्र हमने ये लिखा है वक्र पृष्ठ का, तो 4πr2 है। तो हम यहां पर निकालेंगे 4πr2। r का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4πr5 का स्क्वायर 25। ये हो गया, तो 25 × 100 यानी 100π हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा वक्र पृष्ठ आ जाएगा, यानी सरफेस एरिया आ जाएगा। ये पहला सवाल हो गया अगर आपके लिए त्रिज्या दी गई हो। अब मान लीजिए आपको व्यास दिया गया है, तो व्यास के लिए कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से, इधर देखिए। व्यास के लिए अगर आपको व्यास दिया गया है, मान लो आपको गोले का व्यास दिया गया है, गोले का व्यास बराबर, अगर हमने व्यास ले लिया 24 सेंटीमीटर है, तो आपके लिए अगर निकालना है तो आर निकालना पड़ेगा। आर बराबर होता है d/2 यानी व्यास बटे दो, तो 24/2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 से काट देंगे तो ये 12 में कट जाएगा, यानी 12 सेंटीमीटर आ गया। अब पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लो, तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा आपके लिए? 4πr2 यानी 4πr2 का मान, आर का मान है 12, तो ये जाएगा 4π×12 144। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 4 से 4 × 16 = 6 = 1 16 × 1 = 17 = 7 हासिल लगा 1 और यहाँ पर 4 × 4 और 1 आपके लिए हो जाएगा 5 576π² हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये निकाल सकते हैं। आप देखिए इसमें और बहुत सारे सवाल हैं जिनको हम कर सकते हैं, तो आपके लिए इतना करना है। उसके बाद कैसे सवाल होंगे, उसके बाद इस तरीके से हमने आपके लिए बता दिया। तीसरा किस प्रकार का सवाल होगा, मान लो आपके लिए कोई भी आपके लिए व्यास नहीं दिया गया, आपको खाली चित्र दिया गया है। तो मान लो ये चित्र दिया जाएगा इस तरीके से, ये गोला है, इस तरीके से चित्र दिया जाएगा और यहाँ पर आपने यहाँ पर इसका व्यास ले लिया, व्यास ये दिया गया, हालांकि हमें बताया नहीं जाएगा, चित्र में बताया जाएगा कि ये इतना दिखाया गया है। अब मान लो ये 28 सेंटीमीटर है। अब आप कहोगे कि हमें तो खाली चित्र दिया गया है, चित्र के हिसाब से हम कैसे वक्र पृष्ठ निकालें? तो सबसे पहले 28 का यहाँ पर आप सोचोगे कि ये तो व्यास है, तो जब व्यास है तो इसके लिए d लिख लो, d बराबर 28 सेंटीमीटर। रेडियस निकालोगे तो r बराबर हो जाएगा d/2 यानी 28/2, 2 से इसको भाग कर दोगे तो 2 × 2 = 2 × 8 यानी 14 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा। तो वक्र प्रश्न निकाल लेंगे, तो लिखेंगे गोले का वक्र प्रश्न, क्या लिखेंगे? गोले का
वक्र पृष्ठ बराबर 4πr² तो लिख देंगे यहाँ पर 4π × r² r का मान आ गया 14 और ये हो जाएगा स्क्वायर यानी 4π × 14^2 196 और आप गुणा कर लेंगे 4 से तो सिंपली आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को हमने आपको समझा दिया इस वीडियो में। तो यहाँ पर आप इससे समझा होंगे कि गोले को कैसे रिप्रेजेंट करते, कैसे क्या उसके सतह होते हैं, किस तरीके से कितने प्रकार के होते हैं और कैसे सवालों को हल किया जाएगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि गोले को हम किस तरीके से समझते हैं, गोले के लिए कैसे प्रश्नों को किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।